यह जो मूर्ति है वह यहाँ के जो कुआं की जो खुदाई हुई है उसमें यह मिली है। यहाँ पर जो भी गलती करता है उसको सजा भी मिलता है, सजा भी मिलता है, ऐसे सजा मिला है जो प्रत्यक्ष भी है सामने गांव के लोग। जो भोला बाबा है यह 200 साल का बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ के जो ग्रामीणों से मैं बात किया हूँ तो यह भी पता नहीं चला कि कितना पुराना यहाँ का शिवलिंग है। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार, मैं आपको आपका अपना चैनल मवा गाछी ग्रीन में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों को तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटक भी काफी आते हैं, लेकिन हम वैसे मंदिर पर ध्यान दे रहे हैं जो काफी पुराना है लेकिन उस मंदिर का नाम नहीं हो पाया है। वैसे ही एक मंदिर के प्रांगण में मैं अभी खड़ा हूँ। यह जो भोला बाबा है यह 200 साल का बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ के जो ग्रामीणों से मैं बात किया हूँ तो यह भी पता नहीं चला कि कितना पुराना यहाँ का शिवलिंग है। इसी मंदिर में हूँ, लोकल लेवल पर इस मंदिर का काफी नाम है लेकिन जो पर्यटक स्थल पर जो काफी नाम होना चाहिए वह नाम नहीं है। दरअसल मैं खड़ा हूँ बिहार राज्य के जनक जननी माँ सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी के नानपुर प्रखंड के बिरार पंचायत के अधगांव गांव में हूँ। आप देख सकते हो मेरे पीछे भोला बाबा की यह मंदिर है। यह लोकल लेवल पर काफी फेमस है लेकिन इस मंदिर का जो नाम होना चाहिए वह नाम नहीं हो पाया है। दोस्तों, मैं इस मंदिर के बारे में जो यहाँ की जो लोग हैं उनसे तो बातें करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, मंदिर जो है वह आस्था का केंद्र तो है ही, लेकिन अगर यह मंदिर आगे बढ़े और इस मंदिर का नाम हो तो यह मंदिर एक रोजगार का साधन भी बन सकता है। यहाँ जो पर्यटक आएगा उससे यहाँ की जो पुजारी है उसका रोजगार बढ़ेगा और यहाँ जो माली है जो अपने खेतों से फूल बेचते हैं उसका भी रोजगार बढ़ेगा। यहाँ तक कि जो छोटे दुकानदार होते हैं जो कम पूंजी में अपना दुकान लगाते हैं, चाय नाश्ता का दुकान, उसका भी इस मंदिर से रोजगार बढ़ेगा। और मैं कह दूं कि यहाँ जो आता है जो परिवहन जो लगता है, छोटे छोटे जो ऑटो रिक्शा और रिक्शा चालक होते हैं उनका भी रोजगार इस मंदिर से हो सकता है। अगर आप लोग इस मंदिर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग कई हाथ में हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इतना शेयर कीजिए कि इस मंदिर का एक नाम हो और यहाँ एक छोटा लोग पर रोजगार कायम। कुछ ग्रामीण लोग हैं मेरे साथ यहाँ पे, उनसे बातें करते हैं। नाम क्या है चाचा जी आपका? योगी राउत। योगी राउत चाचा जी, ये मंदिर जो है ये इसका इतिहास बताइएगा, कितना पुराना है ये मंदिर? देखिए, हम लोग जो अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं 200-250 वर्ष पहले की बात, उससे पहले कब का है इसका कोई अता पता नहीं। यहाँ कोई मंदिर नुमा जो था वह टूट चुका था, तो उसका पत्थर जहाँ तहाँ बिखरा हुआ है। बाद में लोगों ने क्या किए, यहाँ पर एक मड़ई टाइप के बनाए और उस मड़ई के बाद में मंदिर बना। अच्छा, ये बताइएगा जो भोला बाबा जो है जो शिवलिंग है वो मतलब धरती से प्रकट हुए थे? हाँ, अंकुरित है। अंकुरित है, अंकुरित है, धरती से प्रकट हुए। हाँ, मतलब यहाँ से जो मन्नतें मांगी जाती है वो पूरा? हाँ, यहाँ जो भी मन्नत लोग मान के जाते हैं पूरा होता है। यहाँ पर जो भी गलती करता है उसको सजा भी मिलता है। सजा भी मिलता है? ऐसे सजा मिला है जो प्रत्यक्ष भी है सामने गाँव के लोग। क्या क्या ये सजा? जैसे में ये मंदिर के जमीन 5 बीघा, 5 बीघा में वो लोग दही घी महंत को खिला करके, जो कोदरिया के लोग हैं, असीमान पर 3 बीघा जमीन है, उन्होंने वो अपना जमीन रजिस्ट्री महंत से करवा ली। ये जमीन तो महंत का नहीं ना, ये भोलेनाथ के नाम से खतियान है। महंत वो देखने के देख रेख के लिए, यही ना होता है महंत के मतलब, उसको देख रेख, उन्होंने देख रेख किया। उस जबरदस्ती कहा जो हमको तुम लिखिए दो, उन्होंने लिख दिया। उसी धरती पर उसको पूरा शरीर में ये बीमारी जो कुड़िया का होता है, जो जमीन लिया उसको हो गया हुआ, और इसी धरती पर आकर के वो मरा इसी जगह पर। और अभी भी जमीन उसी जगह सीमान पर वो मरा ही एक लौक रहा है, वह जमीन है, 3 बीघा का प्लॉट है ये। 5 बीघा के ग्रामीण सन्यासी अपना है, सन्यासी ही अभी पूजा करते हैं, अभी पूर्वज से भी करते आए हैं। लेकिन ये तो बहुत इतिहास ऐसा है जी, धरती पर बूढ़े लोग हमारे बाबूजी के पहले इसमें गुल्ली डंडा जानते हैं ना, गुल्ली डंडा खेलते थे वो लोग। इन्होंने कुड़ते कुड़ते पत्थर शिवलिंग दिखाई दिया, कह रहे पत्थर हो एक उखाड़, ये उखाड़ने के रूप में कुड़ते गए वो नीचे चलते गए। अंतिम में बूढ़ा लोग पहलवान लोग सब थे, गाय चराते थे, वो गाय चरा करके वो लोग जो कहे कंधा लगाओ उठाओ, रस्सी टूट करके 10 फीट नीचे चले गए, उस पर स्थापित कर दिया गया, अंदर देख सकते हैं आप। और उन्होंने मंदिर जब मरई था, एक इसी गांव का कौन गांव है, रसलपुर, मालिक को वंश नहीं होता था, तो
उन्होंने कहा जे हे महादेव, हमको वंश चलेगा तो मैं इस जगह मंदिर बनवा दूंगा। तो उन्होंने ये मंदिर हजारों वर्ष पहले वो बनवाए हुए हैं। जी, ये जो शिवलिंग है जी, तो यहाँ पे मेला वगैरह भी हाँ सब लगता, हाँ, हाँ। लगता है मेला, मेला संक्रांति में लगता है सब। अब कल नया साल है, एग्जाम भी शुरू हो जाएगा, पुराना साल में खत्म होगा। मतलब सोमारी के सोमारी मेला लगता ही है, सोमारी लगता ही है। और यहाँ जो होता है, जो जलढारी होता है, हाँ, हाँ, में जी, साल भर में जो होता है, हाँ, जिस दिन मांगा जाता है, हाँ, मांग में, मांग में, तो उसमें कितना श्रद्धालु आ जाते हैं? इसमें 50,000 से 1,00,000, 1,00,000 तक। स्टोन जो देख रहे हैं सर, ये वही इनार खुदाई में बड़ा ऐसा पत्थर स्टोन, इसमें मतलब जो मंदिर स्टोन इसमें गाड़ दिया गया है। यहाँ के जो ग्रामीण है उनका कहना है, जो ये कुआं की खुदाई हो रही थी, जो मेरे सामने आप ये कुआं देख रहे हैं, उसमें ये जो स्टोन है ये मिला है। नहीं, ये तो मंदिर के है। अच्छा, ये मंदिर का स्टोन में, मंदिर के में मिला है। और वो मूर्ति जो आप देखे हैं, मेरे जो गणेश जी की मूर्ति है यहाँ पे, कोदारी से कटे हुए हैं, देख रहा हूँ, कोदारी से कटे हुए हैं। गणेश जी की मूर्ति जो आप देख रहे हैं, कटे हुए हैं सब कोदारी से, जो कोदारी से खनने के क्रम में ये कटी हुई है। यह जो मूर्ति है वह यहाँ के जो कुआं की जो खुदाई हुई है उसमें यह मिली है। चाचा जी, यह कुआं की खुदाई कब हुई होगी? ये हमारे बाबूजी लोग कर 100 वर्ष हम लोग के बाबूजी ये करवाए थे। उसके बाद में हम बूढ़ा लोग यहाँ घर में, और जो जस्ट कुआं है जो मंदिर के निकासी आपको नाला बताते हैं, ये जस्ट सामने मंदिर के इस जगह कुआं है। ये जो पहले का कूप है, इसका किसी को अंदाजा नहीं है, किसी का पूर्व का जो हजारों वर्ष का जो कुआं है ये है। देखिए यहाँ में छेदा भी है, यहाँ छेदा भी है, पानी देखो तो जाता है पानी, दिखाते नहीं है, हाँ, इसी जगह ये देखिए, इसी जगह से पानी जाता है। तो यहाँ में पंचकर्मा करने में लोगों की तकलीफ होता था। अच्छा, तो बुजुर्ग लोग कह रहे यार इससे चलो इसमें नाला बना करके इस कुआं के भर दो, इसी कुआं से रास्ता निकाल दो, इसी कुआं से रास्ता निकला, इसको पंचकर्मा करने के लिए इन लोग पूर्वज लोग भर दिए। और कुआं अभी बरामद है जो इसका इतना बड़ा स्टोन है, और इसी से रास्ता देख लीजिए कितना बड़ा रास्ता है इसमें आने के लिए। तो पानी जो आता है शंकर भगवान के, इस कूप से इस कूप तक आने का कितना चौड़ा है, ये अभी भर गया है इस कूप से इस कूप तक, और अंदर देखिएगा तो कितना कम है, 10 फीट है ना, और इसमें भरा गया, इसमें ही आदमी भी हो सकते हैं। परिवहन से होता है, जो छोटे रिक्शा वाला हो गया, ऑटो वाला हो गए, वो कमाते हैं, पंडित लोग हो गए वो कमाते हैं, सभी लोग कमाते हैं। यहाँ के अधिकतर ग्रामीण है जो इस रोजगार से जुड़ जाएंगे। तो और बाहरी लोगों की जो आएंगे पर्यटन स्थल से, उनको भी सुविधा मिलेगा। हमको कोई भवन बन जाए, कोई रूम बन जाए, उसमें आके वो लोग ठहरे, कहाँ ठहरेंगे? इसलिए ग्रामीण लोग क्या कर पाएंगे, तो ऊपरी के आदेश से होगा सर, बस सही है कि नहीं? जी जी, यहाँ के ग्रामीण थे मेरे साथ, बहुत अच्छे जानकारी दिए हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जाइए मेरे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर ले। मैं रोहित कुमार, कैमरामैन शिवम कुमार के साथ मोहगासी ग्रीन।